नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। वक्त हो गया है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। अलवर के शाहजहांपुर स्थित राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर आज दोपहर 1 बजे रालोपा अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल के भाई और खींवसर से विधायक नारायण बेनीवाल दुर्घटना में चोटिल हो गए हैं। उनके सिर और हाथ में चोटें आई है। उन्हें भैरोड के कैलाश अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नारायण बेनीवाल रविवार को शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों से मिलने जा रहे थे कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर बॉर्डर के नजदीक ही एक पिकअप ने उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी को टक्कर मार दी। नारायण बेनीवाल आगे की सीट पर बैठे थे। अच्छी बात यह रही कि भीड़ होते ही कार के एयर बैग खुल गए और बड़ा हादसा टल गया। नारायण बेनीवाल की गाड़ी में 4 लोग और सवार थे, उन्हें भी हल्की चोटें आई है। इस घटना के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल सहित आरएलपी के कई नेता विधायक नारायण बेनीवाल से मिलने के लिए कैलाश अस्पताल बहरोड पहुंचे हैं। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर आपको दे दे। राजस्थान में पायलट गहलोत विवाद भले ही शांत हो गया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर अब भी इसको लेकर सुगबुगाहट कहीं ना कहीं तेज हो रही है। इसके ताजा नजारा आज कोटा में दिखा। दरअसल जहां कांग्रेस की बैठक के दौरान प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगाए गए और जमकर पोस्टरबाजी हुई। दरअसल शनिवार को प्रदेश प्रभारी अजय माकन और राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा कोटा पहुंचे थे। यहां पार्टी की बैठक होनी थी, जिससे पहले पायलट समर्थन में नारेबाजी जमकर हुई। आपको बता दें, अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा शनिवार को कोटा संभाग के 4 जिलों का फीडबैक लेने गए थे। इसी से जुड़ी आपको बड़ी अपडेट दे दे। शाहजहांपुर बॉर्डर पर 2 बड़े जाट नेता हनुमान बेनीवाल और रामेश्वर डूडी एक साथ नजर आए, जिसके बाद यह आशंका लगाई जा रही है कि गहलोत विरोधी खेमा एक बार फिर एक होने की कोशिश कर रहा है। रेलवे से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दे। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते ट्रेन संख्या 0613 अजमेर से अमृतसर कल रद्द रहेगी और ट्रेन संख्या 0612 अमृतसर अजमेर 29 दिसंबर को रद्द रहेगी। वहीं आपको बता दे, दिल्ली मंडल के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर कुछ कार्य किया जा रहा है। इसकी वजह से 28 से 31 दिसंबर तक ट्रैफिक ब्लॉक से प्रभावित ये ट्रेनें होगी, जिसके कारण उदयपुर सिटी हजरत निजामुद्दीन भी रद्द रहेगी। प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे दे। राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ने के साथ 28 दिसंबर से शीत लहर के गंभीर श्रेणी में पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि आज भी देश भर में कड़ाके की सर्दी और शीत लहर का दौर जारी रहा। उत्तर भारत में हुई बर्फबारी से राजस्थान में लगातार विभिन्न जगहों पर तेज सर्दी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने साल के अंतिम 3 दिन यानी कि 29, 30 और 31 दिसंबर को रात के साथ दिन में भी भयंकर शीत लहर चलने की चेतावनी जारी की है। एक और बड़ी खबर आपको दे दे। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया है कि प्रदेश के 20 जिलों की 91 नगर निकायों में होने वाले आम चुनाव में वह युवा मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं जिनकी उम्र आगामी 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरी हो जाएगी। आवेदन 4 जनवरी को शाम 4 बजे तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आसान भाषा में इस खबर को समझे तो यदि अगर आप 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष के हो रहे हैं और आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो इसे आप बनवा सकते हैं। तो यही थी राजस्थान की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। बाकी तमाम खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।